लेबनान पर इसराइल का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। देर रात इसराइल का हिजबुल्ला पर भीषण अटैक, हिजबुल्ला के हथियार डिपो पर स्ट्राइक हुई है। इसराइली बमबारी से दहला लेबनान। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा हमला किया गया है लेबनान के ऊपर। इसराइल का हिजबुल्ला पर भीषण हमला हुआ है और ये देखिए रात में भीषण अटैक किया गया और उसके बाद चारों तरफ कैसे आग ही आग नजर आ रही है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसराइली सेना का लेबनान में हवाई हमला, नबी चित गांव के पास एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के हथियार डिपो खाक हो गए इस हमले में। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये एयर स्ट्राइक की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें हिजबुल्ला का हथियार डिपो हिट हुआ है और नष्ट हो गया नबी चित गांव, जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई, जहां पर ये हथियारों का डिपो बताया जा रहा है जिस पर टारगेट किया गया इसराइल की तरफ से। और वहीं लेबनान पर इसराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है, हिजबुल्ला के गढ़ पर हवाई हमला किया गया, हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बड़ा अटैक किया गया है जिसमें काफी नुकसान भी हुआ है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला के ठिकानों पर यह हमला किया गया था, हिजबुल्ला के गढ़ पर हवाई हमला हुआ है। एक के बाद एक ऐसे कई अटैक हुए हैं लेबनान पर इसराइल का एयर स्ट्राइक। वही लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान के बेका इलाके में आईडीएफ का हवाई हमला, दीर कानून में हिजबुल्ला के कमांड सेंटर पर अटैक, हमले में हिजबुल्ला कमांड अली हुसैन की मौत हुई है। तो लेबनान में इसराइल का सबसे बड़ा हमला, जी हां, महाविनाश की आशंका जताई जा रही, क्योंकि यह हमला अपने आप में लेबनान को बड़ी कार्रवाई के लिए उकसा सकता है। देर रात लेबनान में हिजबुल्ला के गढ़ पर हमला हुआ, हिजबुल्ला के सैन्य डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई, नबी चित गांव में हिजबुल्ला के हथियार डिपो पर यह हमला किया गया। हवाई हमले में हथियार डिपो पूरी तरह से खाक हो गया। हिजबुल्ला ने ईरान से मिले हथियारों को इसी सैन्य डिपो में रखा था। खुफिया इनपुट मिलने के बाद इसराइल ने सैन्य डिपो पर यह एक्शन लिया, यह कार्रवाई की है। आईडीएफ ने देर रात बेका और दीर कानून इलाके में भी एयर स्ट्राइक की और यह हमला किया। दीर कानून इलाके में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर पर भी हमला हुआ, हवाई हमले में हिजबुल्ला कमांडर हुसैन अली हुसैन की मौत हो गई, यह भी दावा किया जा रहा है। और हुसैन हिजबुल्ला के रॉकेट मिसाइल यूनिट का कमांडर था जिसकी इस हमले में मौत हो गई। हवाई हमले में अली हुसैन के साथ कई लड़ाकों की भी मौत का दावा किया जा रहा है। और वहीं लेबनान में हवाई हमले की ये चार तस्वीर, मिडिल ईस्ट में जंग की आहट है। एक तरफ ईरान लगातार इसराइल पर हमले की धमकी दे रहा है तो दूसरी ओर हिजबुल्ला और हमास पर रोज इसराइल पर रॉकेट से अटैक कर रहे हैं। इसी बीच लेबनान के तीन शहरों पर देर रात भीषण एयर स्ट्राइक कर इसराइल ने हिजबुल्ला के साथ ईरान को भी सख्त संदेश दे दिया है कि अब इसराइल पर जो भी हमले सोचेगा उसका अंजाम धमकी। और बेलगो रोड में यूक्रेनी सेना पर हमला, Su-34 से यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ, हमले में S-300P एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया इसका वीडियो। और वहीं रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक बटालियन की परेड हुई है। AFU-225 बटालियन ने लाल सफेद झंडे लगाकर कुर्स्क की गलियों में निकाला है मार्च और बेलारूसी मीडिया ने इसका वीडियो भी बकायदा जारी किया है।
और यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क और बेलगोरोड में यूक्रेनी सेना पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। रूस की सेना ने ये हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना के ऊपर कुर्स्क में बमबारी की गई है और टारगेट है यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर भीषण हमला हुआ है। सुकोई 34 से ग्लाइड बम की वर्षा की गई। यूक्रेनी आर्टिलरी और टैंक पर निशाना साधा गया। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज से 30 इलाके वापस छीने गए। रूसी मोटर राइफल यूनिट तेजी से आगे बढ़ रही है। हवा और जमीन से यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। बेलगोरोड में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पर स्ट्राइक किया गया है। KH-35 मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है। और वहीं रोस्तोव तेल डिपो में लगी आग अभी तक नहीं बुझी है। 48 घंटे से धधक रही आग। ऑयल टैंक में अभी भी विस्फोट जारी है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 48 घंटे से इसी तरीके से आग लगी हुई है। रोस्तोव की तस्वीर है जहां का नाम नहीं ले रही। रोस्तोव तेल डिपो है ये, जहां पर आग लगी थी और 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। ऑयल टैंक में अभी भी विस्फोट जारी है और पूरे ऑयल डिपो को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। दूर दूर तक जहां जहां नजर जा रही है वहां धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से भी एक बड़ा अपडेट है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूक्रेन से पहले पीएम मोदी पोलैंड जाएंगे। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। और वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले पोलैंड में तैयारी हो रही है। पीएम के दौरे को लेकर भारतीय छात्रों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री पोलैंड जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पोलैंड में रहने वाले जो भारतीय छात्र हैं वो काफी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल बी अंडरटेकिंग एन ऑफिशियल विजिट टू पोलैंड दिस वीक ऑन 21st एंड 22nd अगस्त at the invitation of Prime Minister His Excellency Donald Tusk. This is a landmark visit as Prime Minister of India is visiting Poland after 45 years. Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday 23rd August at the invitation of President of Ukraine His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. The visit will build upon the recent high-level interactions between the two leaders. जी हां, तो कीव जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 से 22 अगस्त को पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। 30 साल बाद भारत का कोई पीएम कीव जाएगा, यानी यूक्रेन की राजधानी जाएगा। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से युद्ध पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। ज़ेलेंस्की ने कीव आने का न्योता दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को और पीएम मोदी के कीव दौरे पर दुनिया भर की निगाहें रहेंगी। और वहीं यूक्रेन यात्रा के मायने क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत शांति की पहल कर सकता है इस यात्रा के दौरान और जंग रुकवाने में अहम भूमिका भी निभा सकता है। साथ ही ज़ेलेंस्की को पता है कि पुतिन भारत के परम मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि पीएम मोदी पुतिन को समझाएं। भारत ने रूस यूक्रेन से बार बार सीज फायर की अपील भी इससे पहले की है। भारत ये कहता रहा है कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं। और बुलेटिन में अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर का, जहां कोलकाता रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजीआई की बेंच करेगी सुनवाई। रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं बंगाल के राज्यपाल। आज सुबह 10 बजे ये मुलाकात हो सकती है। कोलकाता रेप केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में आज की बड़ी खबर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है। दिल्ली दौरे पर आए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। राज्यपाल बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा है।
गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। और वहीं आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। संदीप घोष का भी हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पीड़िता के परिवार और संदीप घोष के बयान में कई विसंगतियां मिली हैं। साथ ही साथ अलग अलग बयानों की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी दे दी है। संदीप घोष की इजाजत के बिना पॉलीग्राफी टेस्ट संभव नहीं है। एक और अहम खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। संदीप घोष से संबंधित मामलों की जांच होगी। और आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल पर शिकंजा कसता ही जा रहा। मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी है। तो वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। सबसे महत्वपूर्ण खबर तो यही है क्योंकि जो फाइनेंशियल गड़बड़ियां उसकी जांच की जाएगी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद ये एक्शन लिया गया, ये कार्रवाई की गई है। साल 2021 में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कार्यभार संभाला था और ये जांच भी तभी से होगी। 2021 के बाद कई तरह की वित्तीय गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं और इसीलिए इसकी जांच 2021 से होगी। टीम का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर प्रणव कुमार करेंगे और इस पूरे जांच के दायरे में प्रिंसिपल रहेंगे। एसआईटी एक महीने के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, इस जांच से क्या निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसने आरोप लगाया है कि बहुत कुछ गड़बड़ी चल रही थी और शायद जो लेडी डॉक्टर थी वो किसी विसल ब्लोअर की तरह थी। तो क्या यह माना जाए कि जो मौजूदा केस है उससे इस जांच का कोई कनेक्शन सामने आ सकता है? रवि, कल की दो घटनाएं ऐसी हैं जिसको आप चाहें तो कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कुणाल घोष कल सीबीआई के दफ्तर पहुंचते हैं और दफ्तर पहुंचने के बाद वो अपने साथ एक सबूतों का पुलिंदा लेके आते हैं और उनका कहना है कि कुछ डॉक्टर ने उन्हें सबूत दिए हैं जो सबूत इस पूरे केस को प्रभावित कर सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए वो सीबीआई को ये सबूत देने आए हैं। उनका यह भी दावा है कि डॉक्टर सीधे नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने उनको चुना माध्यम के तौर पर। और उसी दिन शाम को, मतलब कल शाम को, सरकार की तरफ से एक एसआईटी गठन की बात होती है जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज की बात होती है। अब दोनों को अगर आप कनेक्ट करें तो इसमें साफ प्रतीत होता है कि जो पूर्व प्रिंसिपल है उस पर कई तरह के ऐसे भी आरोप हैं जिन आरोपों को डॉक्टर लगाना तो चाहते हैं लेकिन डॉक्टर खुद सामने नहीं आना चाहते। इन सब के बीच पीड़िता का परिवार भी कह चुका है कि कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी हो रही थी जिसको लेकर परेशानी थी और संभव है इसी की वजह से पीड़िता की हत्या हुई हो। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि 2021 के बाद से कॉलेज में ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर दबी जुबान से ही सही लोग बात करना चाहते थे लेकिन कुछ खुलकर कह नहीं रहे थे। संभव है पीड़िता ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की होगी और उसके साथ इस तरह की घटना हुई होगी। यह एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है लेकिन इसकी सत्यता क्या है, इसकी जांच जरूरी है। इसके लिए सीबीआई भी अपने तरफ से जांच कर रही है और पश्चिम बंगाल की एसआईटी भी जांच कर रही है। अब सवाल उठता है कि इन वित्तीय अनियमितताओं का क्या इस मौत से कोई संबंध है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। 4 आईपीएस लेवल के अधिकारियों को इस बात का जिम्मा दिया गया है कि आप इसकी जांच करें। और इतना ही नहीं, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपको और भी लोगों की ज़रूरत है तो आप लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल पर एक तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे निकलता क्या है। लेकिन आपको याद होगा रवि, जब से यह मामला शुरू हुआ है तब से कुछ लोग मुखर होकर और कुछ लोग दबी जुबान से ही प्रिंसिपल के खिलाफ बोलते आए हैं। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई। जी हां, एम पॉक्स को यानी मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट और एयरपोर्ट और बॉर्डर पर खास निगरानी के आदेश दिए गए। पड़ोसी देशों में बढ़ते मामलों के बाद भारत में अलर्ट। एमपॉक्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, भारत में इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए इससे जुड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं। दिल्ली के 3 अस्पतालों में होगा एमपॉक्स का इलाज। वो अस्पताल है आरएमएल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग में इलाज होगा।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भी अलर्ट जारी किया है और मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने की सलाह दी गई है। देश में 32 लैब एमपॉक्स टेस्ट के लिए रखी गई है। 116 देशों में एमपॉक्स के 99,176 मामले दर्ज किए गए। एमपॉक्स से अब तक 208 लोगों की मौत हो गई है। भारत में एमपॉक्स का आखिरी मामला मार्च में सामने आया था। और अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ की। भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं दुनिया के सुपर पावर अमेरिका से। जी हां, कनेक्टिकट शहर में कुदरत का कहर बरपा है। ये देखिए तस्वीरें, तेज बारिश के बाद शहर का हाल बेहाल है। पानी का बहाव इतना तेज है कि किसी तरह से ये सड़क पूरी तरह से देखिए कटी नजर आ रही है और पानी की तेज रफ्तार देखकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। सैलाब में अब तक कई लोगों के लापता होने की खबर है। अमेरिका से ये तस्वीरें कनेक्टिकट शहर। और बाढ़ की ये दूसरी तस्वीर भी अमेरिका के कनेक्टिकट से सामने आई है और देख सकते हैं आप कि लेक जोर ड्राइनर इन झरने में उफान आने के बाद नदियों में विकराल रूप ले लिया है। तेज बहाव से कई सड़कें ध्वस्त हो गई। और कनेक्टिकट के कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड आने से तबाही का मंजर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं पानी में गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। कई निचले इलाके में पानी भर गया है जिससे लोग घरों में कैद हो गए। और इधर पाकिस्तान की बात करेंगे जहां बलूचिस्तान में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला जिले स्थित सबसे ज्यादा यहां पर स्थिति खराब है। यहां सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। पानी के तेज बहाव की चपेट में एक कार आ गई। इस कार में 3 जाने फंस गई थी जिसके बाद जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती। इस मौके पर राहुल गांधी ने वीर भूमि जाकर श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। वीर भूमि की ये तस्वीरें राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राहुल गांधी और तमाम दूसरे बड़े नेता भी पहुंचे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती है और इस मौके पर राहुल गांधी भी यहां पर देखिए पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर आए हैं।